आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्विस के डीके सैनी में। दोस्तों अभी ये भाई ने हमें फोन लगा के बताया कि यहाँ पे इनके एक सांप देखा है, तो दोस्तों अभी चलते हैं देखते हैं कौन सा सांप है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आइए और भी है क्या। दोस्तों देख सकते हैं ये शायद किसी विभाग का ऑफिस है, ये सिलाई सेंटर का। तो चलते हैं दोस्तों, बंटी भाई है इनका नाम, बंटी सैनी, और इन्होंने मुझे फोन लगा के बताया था और ये यहाँ के संचालक है। तो दोस्तों अब देखते हैं कहाँ पे, इस रूम में ना, तो इसमें घुसा वो, बस आप वीडियो में बने रहिए। चलो कोशिश करते हैं, अगर हुआ तो देखते हैं। यह तो सही बात तो नहीं निकला हमने देखा। ये बक्सर के पीछे भी हो सकता है, वो बड़ो है। बस मुझे देख ही डर लग रहा है, यदि अंदर वाले काम नहीं हो गए हो पीछे जगह। हाँ बस पीछे है ना, जाइए खींच लें। अब जाए ना, ये ऐसे कर दो यार, और गए चक्र ये खींच लें। ये कौन से जमाने की थी चाचा, ये डोरी है जो कपड़ा की जो ये सियाराम जो लिखी रहती है ना, कपड़े के लास्ट में जो बॉर्डर होती है वो बनती है। और इन मशीनों के पीछे, इस बक्सर के पीछे भी देख लिया है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, और इन कपड़ों के पीछे भी देख लिया है। तो दोस्तों अब हम इस रूम में एंट्री मारते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि इसमें भी एक रास्ता है निकलने के लिए, हो सकता है सांप इधर हो। तो आप वीडियो बने रही आइए दोस्तों, अब हम इस रूम में एंट्री मार रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें पूरा कबाड़ खाना भरा हुआ है, इसमें पूरा ये कोई एक उद्योग है, उस उद्योग का पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ढूंढने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि ये बड़ा बड़ा माल है, इसको जल्दी जल्दी हम हटा के देख सकते हैं। दोस्तों भाई अगर बता भाई साहब, पैर में पोल हो नीचे भी आ सके। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं भाई, सब दोस्त हैं। दामन सांप हो सकता है, आप लोग बता रहे हैं बड़ा है, कारपेट वगैरह है, जूते वगैरह है भाई, जूम करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये चूहे वगैरह भी हैं, हो सकता है वो सांप चूहे खाने के लिए आया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कोबरा सांप और एक धामन सांप को चूहा बहुत पसंद होता है, और उनका मनपसंद भोजन होता है। दोस्तों इसकी पूंछ दिख चुकी है दोस्तों मुझे, हो सकता है सांप इसी में। देख सकते हैं दोस्तों जी, इसका पूंछ दिख रहा है जी, रेड स्नेक है धामन सांप। मैंने आपसे पहले ही बोला था, आप वो हिसाब से बता रहे थे ना। तो दोस्तों अब इसको इधर बक्सा को छोड़ के देखो जा, है काफ़ी बड़ा है। ओहो हो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज का धामन सांप है। तो दोस्तों अब हम इसको देर ना करते हुए कैचिंग करते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है इस सांप को रेस्क्यू करते करते। भाई मुझे ना बताओ, टॉर्च बताओ जरा, ऊपर से बताओ, ऊपर से टॉर्च और दूंगा। तो हम इसको थोड़ा छेड़खानी करेंगे ताकि ये मूवमेंट करे, और इसको आगे खिसक जाएगा, बक्सा खिसक जाएगा।
और ये देख सकते हैं दोस्तों कोबरा की तरह सीटी मार रहा है और ये डरा रहा है अपन। और ये इंडिया का सबसे भागने वाला सांप है। हाँ खिसक जाएगा बक्सा, खिसका नीचे खड़े होके आप मैं खड़े रहो ठीक है ना। बक्सा खिसका वो खिसक जाएगा नीचे से बक्से में, जैसे इधर पोल है वैसा। अरे उधर आएगा तो अपन पोल का बोल रहा हूँ, नहीं है ना। नहीं नहीं पोल नहीं है ठीक है ना। आप तो खिसका मैं नया ने कहा है इसका मुंह और कहा है इसका पूंछ है। हाँ इधर ही है साइज। ओ बाप रे ये लो, ओ बाप रे इतना बड़ा है। अरे भाई अजा हम तुम मार नहीं रहे यार। अरे यार ऊपर से सांप घुस रहा है जैसे हमारा तो कोई कटवट के तो मारे ना ये इसको हम बाकी तरह नहीं चल रहा है। ये सत्य इसने मिली अरे बहुत बड़ा तो इस तरीके से जगह लिया है। ओहो आओ ये मशीन चलाएगा क्या? एक साथ में साइकिल चलाई कीजिए, मुझे लगता है ये सिलाई मशीन चलाएगा। बहुत बड़ा है। आ जाओ इधर साइड, वो साइड से जाओ ऑफिस की साइड। अच्छा तो देख सकते हैं दोस्तों काफी जो साइज का रहा था तो काट दिया था, काटता है। इसको काम कर लिया था। बार बार काट रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम वापस से इसको बाहर की तरफ लिया है और ये काफ़ी बड़ा साइज का दामन सांप है, इंडियन रेड स्नेक सांप। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिलाई सेंटर है और बंटी भाई इधर आओ ना। तो यहाँ के ये संचालक है बंटी भाई, इन्होंने हमें फ़ोन लगा के बताया। और बंटी भाई बोलिए। देखो अभी मैं नहा के निकला, देखा तो जबरदस्त सांप है तो सरसराहट करके उठा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ये सिलाई सेंटर है, वो केल तरफ से चलता है। सिलाई सेंटर है यहाँ पे और ये राघोगढ़ के लगभग 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी पर है। और ये सांडा रोड, सांडा है ना, सांडा गेल रोड पे है, सांडा गेल रोड पर है। दोनों जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा साइज का दामन सांप निकला हुआ है। और ये यहाँ के संचालक है बंटी भाई, इन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया था लगभग 1-1.5 घंटे पहले। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद में ये दामन सांप निकल चुका है और अब हम इसको सुरक्षित रिलीज करके इसको जंगल में रिलीज करेंगे, सुरक्षित इसका रिलीज करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज का दामन सांप और हम इसको पैक करते हैं। मतलब वो डिब्बा लिया ऐसा उठा दी करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सांप नॉन वेनमस होता है। अगर ऐसा सांप अगर आपको काट ले गलती से कभी भी तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ पे जाके एक टीटी का इंजेक्शन लगवाइए। तो दोस्तों जी हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं, इनको मानना नहीं चाहिए। और जब भी ऐसा सांप दिखे तो तुरंत किसी सांप पकड़ने वाले रेस्क्यू कार को बुलाइए ताकि उन सांपों का जीवन बच सके। तो दोस्तों ये अभी छूटने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी ताकत छूटी सांप के अंदर और पर्यावरण में। Vamos a ver, ¿cómo se puede hacer?
दोनों पैर बांध दिए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गांव में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है कि ये ऐसे दोनों पैर गायों के बांधकर उनका दूध पी जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सांप कभी भी दूध नहीं पीते, ये सब मांसाहारी होते हैं और सांप सिर्फ मेंढक या चूहा खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और दोस्तों ये सांप का नाम किसान मित्र भी है, देख सकते हैं इसने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया है। और अब हम फटाफट इसको पैक करते हैं, काफ़ी बड़ा साइज का कुत्ता भी नहीं है, चला जाएगा भाई। आना यार, मतलब कुछ डरता नहीं है, नहीं खड़ा करो तो। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो देखकर आप गलती ना करें, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट का काम होता है। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सर्वे में से डीके सैनी को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय माता दी।